चालू हो बस भाई, आप सारी चीज़ें क्लियर कर दो। जैसा कि अभी इनका थोड़ा पहले इंटरव्यू हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे कि आपका हिंदी में जो स्पेशल कैरेक्टर होता है उसके लिए तो आप लोग इतना मैसेज किए हो मुझे, सर इसका इसका स्पेशल कैरेक्टर कैसे टाइप होगा। मैं हर एक चीज़ कहता था कि नहीं, ज़्यादा यूज़ ही नहीं होना है। ठीक है, चलिए इन्हीं से पूछते हैं। बिल्कुल सर, एक भी करेक्टर नहीं आया था स्पेशल। हम खुद सोचे थे, तीन चार ही मुझे पता थे, एक क्वेश्चन मार्क का, एक वो ये सब, लेकिन आया ही नहीं था, बिल्कुल नहीं आया था, नहीं आया। यहाँ तक कि चंद्र बिंदु भी नहीं आया था सर। ठीक है, और इंग्लिश के बारे में? इंग्लिश के बारे में सर मैक्सिमम हमको लगता है 3 या 4 वर्ड जो होंगे वो 10 डिजिट के होंगे, नहीं तो सारा इज, एम, द, देयर, मतलब चार चार वाले, दोज, हाँ ये सब, थ्रू, यही सब था, आउट, ये सब वर्ड थे सर। तो जैसा कि मैं कह रहा था ना कि इस चीज़ के लिए तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी आप लोग को नहीं भी याद हो रहा है स्पेशल कैरेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 गलतियाँ कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जाओगे। ठीक है, तो जो ये खटखट की आवाज़ होती है? नहीं सर, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं करी, क्योंकि कीबोर्ड बहुत स्मूथ है, हल्का फुल्का कर रहा था सर, लेकिन एक बार स्पीड ऊपर चल रही थी, एक बार देखने के बाद फिर लग रहा था हाँ सही चल रहा है, अब इसी को मेंटेन करके चलना है बस। अच्छा, ऐसा भी तो है कि अगर ऊपर स्पीड हम देख रहे हैं ना और कहीं कम हुआ तो फिर आप नर्वस हो जाओगे? शुरू में नहीं देखना चाहिए, शुरू में नहीं देखना चाहिए, हाँ, क्योंकि अगर शुरू में थोड़ा कम रहा तो नर्वस हो जाओगे, फिर और कम हो जाएगा। ठीक है, शुरू के सर जो आप बताते हैं जैसा वैसे ही हमने किया, शुरू में मतलब 30-40 सेकंड तक हमने एकदम स्लो किया, हम ऊपर स्पीड देखे भी नहीं, लेकिन दो मिनट किया ना, हाँ एकदम 100% शुरू में की रहती थी सर, बाद में एक दो वर्ड जैसे आए थे बड़े उनको स्किप किया, बाकी लिखता स्किप कर दिया, मतलब एक लेटर दबा के और फिर। तो इन्होंने जैसा मैंने बताया था आई थिंक सब कुछ वैसे टोटली फॉलो किया, बड़ा वर्ड आया क्योंकि इनको पता था जितने भी छोटे वर्ड आ रहे हैं सब इनको बकायदा बिल्कुल सही टाइप किया, बड़ा वर्ड जहां भी आया एक लेटर टाइप किया, स्किप मार दिया, तो एक दो गलती ही काउंट होगा बस, है ना? दो या तीन गलतियां हुई थी मेरी। हिंदी में कितनी स्पीड थी? हिंदी में सर 45 थी, घर पे सर 40 ऊपर कभी नहीं आई थी, ना इंडिया टाइपिंग पे, ना सोनी पे, मैं सोनी पे ज्यादा करता था, सोनी पे भी नहीं आई थी, JR पे तो मान लीजिए 37-38 यही आती, 37-38-39, यहाँ 45 देख रहा था मैं, कहा यार बढ़ कैसे रही है मेरी, लेकिन ठीक ठाक चलता गया सर। और इंग्लिश की? इंग्लिश सर 51। इंग्लिश की 51, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, चलिए मुबारक हो। अच्छा एक चीज़ और बताइए, ये जो ऑनलाइन टाइपिंग बच्चे कर रहे हैं कौन सा वेबसाइट है जिसपे सही रहेगा? सर देखिए, हमने सर बहुत सारी वेबसाइट, बाबा टाइपिंग, इंडिया टाइपिंग, इन सब पे किया था, टाइपिंग एडवांस पे भी करता था, चाली जाती थी, किसकी तरह से? लेकिन ये हाँ ये टाइपिंग वाला का है सर, एकदम एग्जैक्ट इंटरफेस है सर, हिंदी का भी इंग्लिश का भी। मान लीजिए जैसे हमको लिखना है कुड, लिखना है COU, लिखा हमने गलत हो गया, स्पेस कर दिया, फिर बैक करिए, आइए सुधारिए, फिर चलिए, एकदम वही सेम, एक एक वर्ड हाईलाइट हो रहा है सर, हाईलाइट हो, ग्रीन हो रहा है, हाँ ग्रीन हो रहा है, और जो गलत हो रहा है वो रेड हो रहा होगा, है ना? जी सर। ठीक है, और कुछ रह गया क्या? और सर बस थोड़ा सा नर्वस होना ही दिक्कत हो रहा है सर, बाकी नर्वस, हाँ नर्वसनेस अगर ना रहे तो कोई दिक्कत। जैसे कि अभी एक दोस्त हैं, वो घर पे अच्छी खासी 45 की स्पीड आती थी, लेकिन यहाँ पर 39 की स्पीड आई है। जी सर। तो मतलब अच्छी स्पीड है, बेकार नहीं कहेंगे, लेकिन 40 मांगी गई है, तो एक से फेल तो फेल होता है, है ना? लेकिन आप लोग का तो 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए और कुछ है क्या जो बताने लायक हो आपके? नहीं सर, बस आदमी पेशेंस से करें बहुत इजीली निकल जाएगी सर, और टाइपिंग वाला को फॉलो करिए कम से कम 100% भाई। हिंदी में कुछ याद है कैसा मैटर था? हिंदी में सर स्टोरी था या क्या था? हाँ कोई स्टोरी थी सर, लेकिन हिंदी का मैटर नहीं, इंग्लिश का मैटर थोड़ा सा याद है सर भाई, लेकिन हिंदी का ये मिल्खा सिंह पर था जो अभी कोविड, मतलब इंग्लिश में तो आप ये कह सकते हो ठीक है करंट अफेयर का टॉपिक उठा लिया, है ना, लेकिन इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी में सर कोई भी बड़े वर्ड नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय वस्ती ऐसा कुछ नहीं था, मतलब छोटे छोटे वह जा रहा था, फिर मान लीजिए एक आठ आया तो अपना अपन आ गया, ऐसे आ रहा था, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा औ ए लगाया ये सब। हाँ वही चीज़ है, एग्जामिनर देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि टाइपिंग केवल वो ये देखना चाहता है आपको आती है कि नहीं आती है, अगर उनको फेल करना होगा ना तो आप 50 भी बना के जाओगे तो वो ऐसा पैसेज उठा के दे देगा, फेल ही हो जाओगे, लेकिन वो ऐसा देते हैं कि सबका मतलब क्वालिफाई हो जाए। और सर मतलब हम तो 3-4 टॉफी लेके गए थे सर सेंटर में, क्योंकि पानी मतलब मिल नहीं रहा था, अंदर बैठे थे 3 घंटे बैठा दिए, बहुत काम किया। हाँ आपसे पेपर देने पहले एक टॉफी खाया, उसके बाद आराम से फिर टाइपिंग चालू किया। चलिए टॉफी वोफी भाई, बहुत लोग बिहार, बहुत लोग महाराजगंज उधर साइड से आ रहे होंगे तो तंबाकू की आदत होगी, दबा लीजिएगा ठीक है, पता ना चले उनको, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना दबा लिया तो उनका दिमाग बढ़िया चलता है ना, जैसे चले वैसे चलाओ। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है, बाकी सारी चीज़ ओके, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।